हमारा सभा में विराजमान कच्छ बीजेपी जिला की महासचिव श्री विनोद भाई सावरा जी, हमारा अंजार विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की उम्मीदवार श्री पिकम भाई बी सांगा जी, गुजरात का मंत्री और हमारा अंजार से 4 बार विधायक बने श्री बासन भाई जी आहिर जी, भारत सरकार की मंत्री श्री किशन लाल गुर्जर जी, हमारा बीच में उपस्थित कच्छ बीजेपी जिला की इंचार्ज प्रेसिडेंट श्री बलमजी भाई हम्बाई जी, मंच में उपस्थित महानुभवगण भाई और बहनों, मैं असम से आया हूँ। आप जानते हैं कि असम एक उत्तर पूर्व का राज्य है। अभी अभी बसंत भाई जी ने आप लोग को बताया कि असम में चाय का उत्पादन होता है और देश का सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन असम करता है और देश का सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन गुजरात करता है। ये गुजरात का दूध और असम का चाय मिला के सबसे बढ़िया चाय बनाने वाला देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। जयजत नव भारत को निर्माण कर रहे हैं। कहां का चाय, कहां का दूध, दिल से दिल मिला के एक नया भारत मोदी जी निर्माण कर रहे हैं। मुझको बताया गया था कि आप जाइए गुजरात में कैंपेन कीजिए, तो मैंने मेरा पार्टी का नेतृत्व को मैंने बोला मैं गुजरात का लोगों को जाके बीजेपी का बारे में बोलो इतना मैं दुस्साहस नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं हाँ प्रेरणा लेने के लिए मैं जरूर जा सकता हूं। तो इसीलिए मैं यहाँ कोई फसल चलाने के लिए नहीं आया हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि हमारा उम्मीदवार पिकम भाई जी यहाँ से हजारों वोट से जीतेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैं खाली आप लोगों से प्रेरणा लेने आया हूं, मोदी जी का कर्मभूमि जन्मभूमि से मैं प्रेरणा लेने आया हूं। हमारा यही मकसद है एक नया भारत बनाना है, विश्व गुरु का रूप में भारत वर्ष को दोबारा हम लोग को देखना है। भाई और बहनों, ये चुनाव गुजरात के लिए इम्पोर्टेंट है ही, इसलिए गुजरात का जो विकास है वो निरंतर चलते रहना चाहिए। आज गुजरात देश का पहला का स्टेट है, गुजरात का खाता में कोई सारा रिकॉर्ड है। मैं बोलते जाऊं गुजरात का बारे में, गुजरात का पॉलिसी, गुजरात का स्टेट का डेवलपमेंट, गुजरात में लास्ट 2001 का बाद कितना हुआ है, वो बोलने से भी मैं खत्म नहीं कर पाऊंगा। इसलिए हर सभा में हम लोग भारत सरकार में जाता हूं और पहला पुरस्कार हमेशा गुजरात को ही मिलता है। ये गुड गवर्नेंस जो कृषि के लिए हो, दूध के लिए हो, गवर्नेंस के लिए हो, रोड के लिए हो, सड़क के लिए हो, सारे पहला पुरस्कार गुजरात के लिए रिजल्ट है। लेकिन ये चुनाव हमारा इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे जैसे मोदी जी का अश्वमेध का घोड़ा आगे बढ़ रहा है, ऐसे देश को दुबला करने के लिए भी कोई सारा ताकत का भी उभार के आया है। विदेश में सर्जन हुआ है, किसलिए लोग हैरानी है, जो ब्रिटिश हमारा ऊपर हुकूमत चलाया करता था, अभी मोदी जी ने ब्रिटिश इकोनॉमी को पीछे रखकर भारत को आगे बढ़ा दिया। और अगर ऐसा ही रफ्तार में हम चलते रहे तो 2029 तक हम दुनिया का थर्ड अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तृतीय अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और प्रधानमंत्री जी का अमृतकाल का जो सपना है, अगर हम सारे देशवासी प्रधानमंत्री जी का और सपना का साथ जोड़ जाता हूं, तो ये 25 साल में हम अमेरिका और चाइना को भी पीछे कर देगा, जो रफ्तार में आज देश आगे बढ़ रहा है।
अब कल्पना नहीं कर सकता है, मैं जहां से आया हूं उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्व में 7 प्रदेश है, ये 7 प्रदेश का राजधानी में राजधानी एक्सप्रेस तक नहीं जाता था। 7 प्रदेश में 5 प्रदेश ऐसे था जहां में एयरपोर्ट नहीं था, और लगभग 2012-13 तक उत्तर पूर्व का रेल पट्टी सिंगल गज मीटर गज, एक जगह में आप जाओ तो जंक्शन बदला के दूसरी जगह में जाओ, उस तरफ साइना होता करता है। साइना और भारत का बीच में एक पहले एक लोगों का मानसिकता था कि उत्तर पूर्व साइना और भारत का बीच में है, लेकिन लोग एक कांग्रेस वाला लोग ये नहीं मानता था कि उत्तर पूर्व भी भारत में है, ये लोग सोचता था कोई एक उत्तर पूर्व एक बफर जोन है। अरुणाचल तक साइना ने पूरा हाईवे बनाया, रेलवे बनाया, अपना एयरपोर्ट को विकास किया, लेकिन भारत सरकार कुछ नहीं किया। मीटरगंज में रेल चलते रहा, 1962 में भारत का क्या हाल हुआ इंडो साइना वॉर में आप लोग को मालूम है। आज आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए, 2014 का बाद नॉर्थ ईस्ट का जो हाईवे बना है वो हाईवे को गुजरात से कम नहीं है, इतना बड़ा हाईवे बना है, आज रेलवे बना है, और उनका जो सारा जो एयरपोर्ट बना है, और एकदम साइना बॉर्डर तक अभी रेल लाइन तवांग बोलता है, तवांग का रेल लाइन बसाने का काम मोदी जी ने शुरू किया है। मोदी जी भारत को वो ताकत दे रहा था जो ताकत का कोई कल्पना नहीं करता था, कोई कल्पना नहीं करता था, लेकिन आज वो ताकत भारत को मिल रहा है। जब वो ताकत भारत को मिल रहा है तब मोदी जी का जो पॉलिसी है उसको कैसे डिवेल किया जा सकता है, मोदी जी का शासन को कैसे दुबला किया जा सकता है, साथ साथ में सरियन भी होते रहा है। अब हर दिन देखता है नया न क्या नया कहानी निकालते रहता है। अभी गुजरात का संदेश देना है, गुजरात चुनाव का हमारा बीजेपी का जीतने का बाद यह पक्का हो जाएगा कि 2024 में देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेगा। गुजरात को यह संदेश देना है, इसीलिए गुजरात में इस बार हम लोग को सेंचुरी पार करना है। खाली तेंदुलकर सेंचुरी नहीं मारेगा, गुजरात का बीजेपी का कार्यकर्ता भी सेंचुरी मारेगा, गुजरात का प्रजागण भी सेंचुरी मारेगा। गुजरात में हम लोग को रिकॉर्ड करके भाजपा को जिताना है, और बहुत ही अच्छा मतदान से जिताना है। एक भारत में विश्व में संदेश जाना है कि 2026 में भी नरेंद्र मोदी ही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। आज गुजरात का डेवलपमेंट का बारे में मुझको कोई बोलना नहीं है, अभी जो भी सभा होगा कहां सभा करेगा, केवड़िया में करेगा। क्यों करेगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे बड़ा देश, विश्व का सबसे बड़ा प्रतिमा आज गुजरात में है। लेकिन कांग्रेस का समय वल्लभ भाई पटेल कहां था, कांग्रेस का समय गुजरात कहां था? वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न, देश का पहला भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिलना चाहिए था, कांग्रेस ने दिया। 1990 तक सरदार वल्लभ भाई पटेल का कोई भारत रत्न सम्मान नहीं आया, देश का लोगों को भी मालूम नहीं था कि वल्लभ भाई पटेल का देश के लिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था। अरे भाई, ये तो कांग्रेस का लीडर था, ये तो राहुल जी का पार्टी का लीडर था, लेकिन देश को सरदार वल्लभ भाई पटेल से परिचय अवरुद्ध नहीं करवाया। देश का यंग जनरेशन का दिमाग में ऐसा ही घुसा दिया कि गांधी बिना देश चलेगा नहीं, और गांधी भी गांधी है, डुप्लीकेट गांधी, ओरिजिनल गांधी है। महात्मा गांधी का बिना देश नहीं चलता हम लोग सब जानता हूं। महात्मा गांधी हमारा पूज्य है, श्रद्धा है। वो लोग बोलता है कि भाई देश तो गांधी परिवार चलाता है, चलाएगा। अरे मान लेता हूं अगर महात्मा गांधी जी का परिवार चलाता है
लेकिन गांधी परिवार का मतलब तो डुप्लीकेट गांधी परिवार तो नहीं हो सकता है, ये तो पूरा की पूरा डुप्लीकेट गांधी परिवार है। गांधी टाइटल कैसे मिला वो भी एक रिसर्च का सब्जेक्ट है। आपका तो कोई नाम तो गांधी से तो कोई लिंक भी नहीं था, आपको कैसे ये टाइटल मिल गया? और फिर आपने क्या पाप किया कि जैसे देश को नेहरू ने बनाया, देश को इंदिरा जी ने बनाया, देश को राजीव जी ने बनाया, देश को राहुल जी ने बनाया, अगर कोई नाटी पुती पीछे में है वो भी बुलाया जाएगा, देश को ही लोग बनाया था। अरे बी आर अम्बेडकर कहाँ गया? सरदार वल्लभ भाई के पटेल कहाँ गया? पूरा जो देश का गौरवशाली हिस्ट्री था इससे पूरा देश को लोग डिस्कनेक्ट कर लिया। कांग्रेस ने पूरा देश को मोनोपोली बना लिया कि एक ही परिवार का देश का देश पूरा एक परिवार का दान है। क्या देश में गुजरात का कंट्रीब्यूशन नहीं था? देश में की मराठियों का कंट्रीब्यूशन नहीं था? देश में क्या बंगाली का कंट्रीब्यूशन नहीं था? लेकिन देश का मतलब खाली गांधी एंड गांधी। एक कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था, वो बोला करता था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। पर इतना तक उनका दुस्साहस करने के लिए सल्तनत। लेकिन आज जब केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा बना, देश में जब राष्ट्रीय एकता के लिए वल्लभ भाई पटेल जी का के लिए स्मरण के लिए हमारा यूनिटी राम मोदी जी ने स्टार्ट किया, धीरे धीरे देश में ये भ्रम टूटा। देश को मालूम हुआ कि गुजरात का और सपोर्ट ने देश के लिए कितना बड़ा अवदान रख के दिया था। लेकिन ये हिस्ट्री गुजरात का वो जो गौरव रखा है ये कांग्रेस ने कभी स्वीकृति नहीं दिया था। कारण क्या है? उनको मालूम है जब गुजरात का नाम आएगा, वल्लभ भाई पटेल का नाम आएगा, कहीं ना कहीं गांधी परिवार धीमा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कभी भी देश को देश का गौरवशाली इतिहास का साथ जान पहचान नहीं करवाए। आज आप देखिए अभी चुनाव हो रहा है, जब लास्ट टाइम चुनाव हो रहा था राहुल गांधी गुजरात का मंदिर में गया था, तिलक लगाया था, आज कहाँ है? चुनाव गुजरात में है और वो पैदल यात्रा कर रहा है साउथ इंडिया में। मतलब वो तो सरेंडर कर चुका है कि नहीं होगा, सरेंडर कर दिया नहीं होगा। और सचमुच ये आज गुजरात चुनाव में कांग्रेस का जो हाल होगा 2026 में सारे देश में कांग्रेस का वो हाल होने वाला है। भाइयों और बहनों आप कुछ सोचिए, अगर कांग्रेस का शासन होता था क्या अयोध्या में राम मंदिर होता था? आप लोग एक बार सोचिए, देश ने तो मुगल चला दिया लेकिन हर बार बाबरी मस्जिद राम मंदिर। अरे भगवान राम और बाबर कोई कंपेरिजन होता है? कांग्रेस का समाज में नाम आता है राम मंदिर बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट। अरे कहां भगवान राम है और कहां वो आक्रांत का बाबर? आज देश को एक नरेंद्र मोदी के लिए रुकना पड़ा। आज आप जाइए अयोध्या में, इतना भव्य राम मंदिर बना हुआ है। 2026 में राम मंदिर का उद्घाटन होगा शायद, जैसा परिकल्पना है। मैं थोड़ा दिन पहले मेरा जाने का सौभाग्य हुआ था, जब राम मंदिर मैंने देखा तो मेरा मन में ऐसा लगा कि अगर कांग्रेस होता था ये तो हमेशा बाबरी मस्जिद राम मंदिर बना होता था। भगवान राम का भी और लोग सत्यानाश करके रख दिया था, राम का आगे बाबर का नाम लगा के रख दिया था। आज हम लोग कम से कम देश में गौरव से बोल सकता हो जय श्री राम, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। देश का कोने कोने में जाके हम बोल सकता हो जय श्री राम, कोई हमको रुकवा नहीं सकता है। इसलिए देश में नरेंद्र मोदी जी का शासन। आज आप सोच के देखिए कि एक देश था, एक देश है, आपका दो दोस्त है, अब कश्मीर जाओ एक दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन, एक गुजरात में आओ भारत का संविधान, कश्मीर में जाओ जम्मू कश्मीर का संविधान। बहुत बार ये बात आया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक बार उठाया कि 370 धारा विलुप्त हो जाना चाहिए,
कांग्रेस ने बोला नहीं भाई ऐसा बात मत बोलो, क्यों? वो संभव ही नहीं है 370 धारा हटाने का। ठीक है, बहुत सारा यात्रा हुआ, मुरली मनोहर जोशी ने यात्रा निकाला, मोदी जी ने भी यात्रा में दिया था भाई 370 हटाओ। कांग्रेस बोला नहीं नहीं 370 नहीं हटेगा। क्यों? तुष्टिकरण का राजनीति करना था। जब पहला बार बीजेपी सरकार आया कैसे 370 हटाएगा यह कम से कम मोदी नहीं कर पाएगा। लोगों का बीच में ऐसा पहला तो बोला क्या राम मंदिर बना सकता है, तो राम मंदिर बनाना शुरू हो गया। फिर बोला मोदी तो 370 नहीं हटा सकता है। जब संसद ने मोदी जी ने 370 धारा को हटाया, अमित भाई ने 370 धारा को हटाया, देश को ये एक मैसेज चला दिया कि मेरा भारत एक है, मेरा भारत महान है। ये वाणी, ये मैसेज के लिए देश को 75 साल इंतजार करना पड़ा, एक नरेंद्र मोदी के लिए इंतजार करना पड़ा। आज आप देखिए, आज राम मंदिर भी सलाह दिया, 370 भी सलाह दिया, देश में तो कोई हिंदू मुसलमान का तो कोई टकराव तो नहीं हुआ, सबका साथ सबका विकास। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना एक गरीब हिंदू को भी मिल रहा है, एक गरीब मुसलमान को भी मिल रहा है, अगर मुफ्त का साल एक हिंदू को भी मिल रहा है, एक मुसलमान को भी मिल रहा है, लेकिन क्यों तुष्टिकरण था? अब क्यों राम और बाबर को एक साथ करेगा? अल्लाह और भगवान को एक साथ करता है तो ठीक है, चलो चलेगा, लेकिन बाबर और राम का एक होना एकदम ये कैसा आर्गुमेंट था? लेकिन ऐसे ही कांग्रेस चलता रहा। आज आप देखिए मुसलमान महिला लोगों को, आपको विवाह, भारत में विवाह कैसा होता है, कितना बहुत बड़ा एक परंपरा है जो आत्मा का मिलन होता है कि भाई मेरा आज माँ और पिता का जो विवाह है वो विवाह मेरे लिए कोई मेरे सेलिब्रेशन नहीं है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा कर्म है कि भाई मेरा पिता और माता जी का फलाना दिन विवाह हुआ था, ये मेरे लिए कितना पवित्र दिन है। लेकिन आज क्या है, क्या हुआ था, देश का मुसलमान बहन लोगों को, आप दुबई में हो, दुबई में मोबाइल में लिख दो तलाक 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 का ही नहीं खत्म, और आगे कुछ नहीं है। ऐसे क्या देश से चल सकता था? आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत का लाखों महिला को तलाक हटा के, लाखों महिला को एम्पावर किया, लाखों महिलाओं को प्रधानमंत्री मोदी जी ने ताकत दिया। ये कोई सामान्य का काम नहीं था। लोग बोला था अगर आप ये तलाक प्रथा का विरोध करेगा देश जल जाएगा, लेकिन आज क्या हुआ है, उल्टा हो रहा है। मुसलमान महिला आज प्रधानमंत्री मोदी जी को खुल के दुआ करता है, खुल के आशीर्वाद करता है। अभी भाई और बहनों, मेरा तो यह सपना है, आगे क्या होगा पता नहीं, एक पुरुष का तीन तीन शादी करने का कहां से इजाजत होता है, पांच पांच आप क्यों शादी करेगा? अगर शादी भी करेगा तो आपका बेटा और बेटी को प्रॉपर्टी में समान अधिकार मिलना चाहिए। अभी देश का यह सपना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व में देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आना चाहिए, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आना चाहिए। और मेरा ये उम्मीद है आज उत्तरांचल में, हिमाचल में हमारा पार्टी का मैनोफेस्टो में यूसीसी का बात बोला गया है, और मैं विश्वास करता हूँ भारत में ऐसा भी चमत्कार आएगा और कोई देश में यूसीसी का बिना नहीं चलेगा, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, ये भी मैं उम्मीद करता हूँ। भाई और बहनों, पूरी दिन में आपने सुना दिल्ली में क्या हुआ कि अफताब नाम का एक बदमाश ने एक श्रद्धा नाम का लड़की को दिल्ली लेके गया और उनको 35 पीस किया, एक पीस नहीं है 35 पीस किया। तो देश में लाभ जहाद का खिलाफ भी कानून बनना चाहिए, क्यों ऐसा चलेगा देश में? तो ये सारे जो काम है ये काम करने के लिए
हम लोग को केंद्र में ऐसा एक सरकार चाहिए, देश को एक ऐसा सरकार चाहिए जो सरकार का पास निर्णय करने का क्षमता रहता है। अब हमारे जो असम का प्रदेश में आया हूं, वो प्रदेश में क्या था, हमारा असम में फ्राइडे बंद होता था, संडे खुला होता था कम से कम 12 दिनों में। सरकार स्कूल चलाए ना चलाए अलग बात था, लेकिन पूरा मद्रासा टीचर का तनख्वाह सरकार दिया करता था। मुझको एक मैंने मद्रासा बंद कर दिया, टीवी में मुझको पूछा एक दिल्ली में, आपने मद्रासा बंद कर दिया, अब तक ये क्या इरादा है? मैं बोला मेरा इरादा ठीक ठाक है, हमारा मुस्लिम भाई बहन को दफ्तर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, इससे हमने मद्रासा में ताला लगा दिया। बस बिल्कुल तो देश को आज एक दिशा मिल चुका है। गुजरात का जनता के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व के लिए आज देश को एक दिशा मिल चुका है। अब यह G20 का सभा देखिए, विश्व का सभा देखिए, हमारा प्रधानमंत्री कहां बैठता है, हमारा प्रधानमंत्री का साथ कैसे लोग व्यवहार करता है। किसी ने मनमोहन सिंह का साथ ऐसा फोटो दिखा सकता है क्या? किसी ने दिखा सकता है? राहुल बाबा को है आपका एल्बम में ऐसा कोई चीज? आज देश को गौरव महसूस होता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति, चाइना का राष्ट्रपति भारत का प्रधानमंत्री को कैसा सम्मान देता है, नरेंद्र मोदी को नहीं, और देश का 130 करोड़ भारतीयों से सम्मान आते हैं जब मोदी जी को विश्व मंच में ऐसा सम्मान मिलता है। आगे किसी का याद है यहाँ में? कोई सारे हमारा सीनियर सिटीजन है, आप लोग अपना स्मृति को एक बार 10 साल 20 साल 30 साल आगे ले जाइए, कभी भारत का प्रधानमंत्री को ऐसा सम्मान मिला था क्या? किसी को सम्मान, ऐसा सम्मान नहीं मिला। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत का स्थान विश्व का जो राजनीति है, समाज स्थिति है, इकोनॉमी है, इसमें पूरा ऐसा परमानेंट कर दिया जो स्वामी विवेकानंद जी का जो सपना था विश्व गुरु भारत, आज हमको दिखने लगा कि हाँ वो रास्ता में आज हम लोग चल पड़ा है। भाइयों और बहनों, आज आप सोच सकता है जब कोविड पैंडेमिक हुआ, कोविड पैंडेमिक होने का बाद लोगों में पूरा देश में वैक्सीन का, विदेश में देश में वैक्सीन का सरसा हुआ, लोगों को ये एक दिमाग में था कि अब भारत में वैक्सीन आएगा। आप देखिए कैसे मोदी जी ने चमत्कार किया, देश का वैज्ञानिक को उन्होंने प्रेरणा दिया, देश का चिकित्सक को उन्होंने प्रेरणा दिया, और हमारा देश को अमेरिका इंग्लैंड जब वैक्सीन निकाला, इसी समय भारत भी इसी समय ने वैक्सीन निकाला। आप देखिए प्रधानमंत्री जी है, कोई भी वैक्सीन वो ले सकता था, लेकिन आप देखिए कौन सा वैक्सीन वो लिया और कौन वैक्सीन लिया जो भारत में निर्माण हुआ, जो आत्मनिर्भर भारत का एक उदाहरण था। लेकिन वो दूसरा वैक्सीन भी ले सकता है, प्रधानमंत्री के लिए कोई वैक्सीन का कमी था, अमेरिका वाला वैक्सीन ले सकता था, विदेश वाला कोई भी वैक्सीन ले सकता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने को वैक्सीन लिया। तो कांग्रेस ने क्या क्वेश्चन किया कि ये वैक्सीन नकली है, ये वैक्सीन का कोई दाम नहीं है, ये वैक्सीन का कोई साइंटिफिक फॉर्मूला नहीं है। तो भारत मन में सोचा अगर भारत का विज्ञानी जो बनाया हुआ है वो वैक्सीन अगर नकली है तो माफ कीजिए कांग्रेस भाई बहन, आप लोग भी नकली है, आप लोग भी असली नहीं हो सकता है। बाद में क्या हुआ, वही कांग्रेस का नेतागण वैक्सीन सेंटर का सामने लाइन किया एक का बाद एक, और मारामारी करके वही वैक्सीन लिया, तब मोदी जी जिंदाबाद। और आज सारे लोग मोदी जी को धन्यवाद देता है कि आपने वैक्सीन का निर्माण किया, बांग्लादेश में वो वैक्सीन चला गया, भूटान में वो वैक्सीन चला गया, आज विश्व का कोई सारे देश में वो कोवैक्सीन चला गया, और भारत को वो लोग मानने लगा कि हमारा मुसीबत का समय भारत काम में आया।
ऐसा ही देश को आज विश्व गुरु बनाने का रास्ता में प्रधानमंत्री मोदी जी लेके जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, भारत का जो स्थिति है, भारत का जो लेफ्ट लोगों का जो प्रेजेंस है दिल्ली में, लिटिल दिल्ली का जब जो बात हम लोग बोलते रहता हूं, उसका बीच में राम मंदिर बनाना आसान काम नहीं था, 370 धारा खत्म करना आसान काम नहीं था, लेकिन आज सारे काम, तलाक को हटाना एकदम ही असंभव काम जैसा था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक एक करके सारे असंभव काम को संभव कर दिखाया। तो इसलिए मैं वही गुजरात का धरती में आया हूँ जो धरती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश को उपहार दिया, जिसको आप लोग पहले पैसा ला और आप लोगों ने उनको ताकत दिया और आप लोगों का ताकत के लिए आज देश को ताकत मिल रहा है, मेरा भारत माँ को आपका भारत माँ को ताकत मिल रहा है। भाइयों और बहनों, ये गुजरात चुनाव में हम लोग को बहुत बड़ा संदेश देना है, बहुत बढ़िया रिकॉर्ड से गुजरात से बीजेपी को जिताना है और बहुत बड़ा सुंदर रिजल्ट देना है। इसलिए हमारा आप अभी खाली भारत नहीं है, अमेरिका को भी पीछे करना है, चाइना को भी पीछे करना है। दो दिन आगे अगर मैं ये बात बोलता था लोग मुझको हंसता था, लेकिन अभी ये 2-3 महीना पहले ही हम लोग ब्रिटेन को पीछे भगा दिया कि भाई अभी आप हमारा पीछे में बैठो, तो अभी लोगों का विश्वास आते होता है कि नहीं नहीं भारत का भाग्य में भी दोबारा विश्व गुरु बनना लिखा है और हम लोग विश्व गुरु बन के ही रहेगा और ये हमारा एक कलेक्टिव कमिटमेंट है, कलेक्टिव रिजोल्यूशन है कि हम लोग वो मुकाम तक पहुंचेगा और हम लोग सब लोग मिल के मोदी जी को ताकत देगा, मोदी जी का नेतृत्व में हम लोग वहां तक पहुंचेगा। अंजारन में हमेशा ही बीजेपी जीतता है और आप लोग का बीच में जितना मैंने उत्साह उमंग देखा, यहाँ में तो बीजेपी जीतना कोई समस्या नहीं है, बहुत आराम से बीजेपी जीतेगा। अब क्यों नहीं जीतेगा? कच्छ का भूकंप का बाद जो नया निर्माण हुआ, नव निर्माण हुआ, एक अभी अभी हमारा मंत्री जी बोल रहा था कि एक जिला में 90 बार का मुख्यमंत्री आना कोई ये सोच भी नहीं सकता है। मैं भी एक देश स्टेट का मुख्यमंत्री हूँ, मेरा स्टेट तो गुजरात का कंपेरिजन में क्षेत्रफल बहुत छोटी है, लेकिन आज 1.5 साल में मैं जैसा जैसे एक जिला में एक बार जा चुका हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी कच्छ में 90 बार आया, भूस को निर्माण किया, कच्छ को निर्माण किया, अंजार को निर्माण किया। आप कुछ सोच सकता है 10,000 लोगों का जो मृत्यु हुआ था वही कच्छ को आज वो पूरा सर बना के रख दिया है, व्यापार का, माहौल का, प्रगति का, विकास का एक नया निशान उन्होंने प्रस्तुत किया कि भाई कोई भी क्राइसिस होगा हम क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में ट्रांसफॉर्म करूंगा। भूज में क्राइसिस हुआ, कच्छ में क्राइसिस हुआ, अंजेर में क्राइसिस हुआ, लेकिन वो एक सीएम था जिसने पूरा क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी तक, एक दुर्भाग्य को एक सौभाग्य तक उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। ऐसा जन नेता हमेशा हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। अब इसलिए मैं मानता हूं कि कच्छ में हमारा शेष सीट है, शेष सीट में ही बीजेपी बहुत आराम से ही जीतेगा, कोई समस्या नहीं है। और ये गुजरात का जो इस बार का विजय होगा पूरा देश के लिए एक मिसाल बनेगा, देश के लिए एग्जाम्पल बनेगा, मेरा यह मानना है। भाइयों और बहनों, असम माँ कामाख्या का भूमि है और आप लोग जब भी समय मिलता है कभी आइए, माँ कामाख्या का दर्शन कीजिए। माँ का दर्शन बेटा के लिए, बेटी के लिए हमेशा बहुत बड़ा बात होता है। गुजरात का साथ हमारा उत्तर पूर्व का बहुत बड़ा संबंध है। कृष्ण जी ने रुक्मिणी जी को उत्तर पूर्व से ही लाया था, इसीलिए हमारा गुजरात हमारा बहुत ही निकट है।
आज गुजरात का पवित्र भूमि में आके मुझको बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग सब असम के लिए आइए और माँ का दर्शन कीजिए, और जहाँ से रुक्मिणी जी आया करता था वहाँ भी आप लोग आइए, वो भूमि को भी आप लोग दर्शन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा साथ दोबारा बोलिए, भारत माता की।